शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड की कैथरीन ब्रंट से लिया बदला, 5 गेंदों में 5 चौके छोड़े। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच T20 मैच रविवार को खेला जा रहा है। भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 148 रन बनाए। भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए। वो 50 बनाने से चूक गए। उन्होंने 38 गेंदों में 48 रन बनाए। दूसरे T20 में मैच में शेफाली ने इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट से पहले मैच का बदला अपने विस्फोटक अंदाज में लिया। उन्होंने कैथरीन ब्रंट की 5 गेंदों पर 5 चौके लगाए। भारत की पारी के चौथे ओवर में शेफाली ने कैथरीन ब्रंट के दूसरी गेंद से लेकर ओवर की आखिरी गेंद तक लगातार 5 चौके जोड़े। पहले T20 मैच में कैथरीन ने शेफाली को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा था। कैथरीन ने दूसरे T20 में 2 ओवर में 35 रन खर्च किए। शेफाली ने अपने 48 रन की पारी में 8 चौके और 1 सिक्स चढ़ा। मैच की बात करें तो शेफाली के अलावा स्मृति मंधाना ने 20 रन और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 31 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 27 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रही। शेफाली की बात करें तो उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में दोनों पारियों में 50 ठोककर इतिहास रचा था। वो भारत की तरफ से एक कारनामा करने वाली एकमात्र खिलाड़ी है। इंग्लैंड की तरफ से साइवर ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया। T20 सीरीज की बात करें तो 3 मैचों की सीरीज में भारतीय महिला टीम 0-1 से पीछे है। इससे पहले 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत को इंग्लैंड ने 2-1 से हराया था। इससे पहले दोनों टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट ड्रॉ रहा था। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।